अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी सब्जियां, काफ़ी भाई बोल रहे थे कि भाई आपकी सब्जियों का क्या हाल है, बीजों में से पौधा निकला है या नहीं निकला। तो यार, अभी थोड़ी सी परेशानी मुझे भी है क्योंकि कुछ बीज तो निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ बीज दोस्तों अभी तक नहीं निकले। जो बीज उगने थे दोस्तों, वो तो उग गए। अभी दोस्तों मैं पानी दे रहा हूँ, ये पानी ऐसे ऐसे चलता जाएगा, पूरी हमारी क्यारी में फैल जाएगा। तो अभी दोस्तों हम इस पाइप को ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी हम और काम कर लेते हैं और आपसे कुछ बातें भी शेयर करनी है आज दोस्तों। दरअसल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे बजीज का पेड़ लग चुका है। जो मैं दोस्तों चाहता था वैसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारा येलो मेल बजी वो एक्सपायर हो चुका था, जिसकी वजह से हमारी येलो फीमेल अकेली थी। उसके साथ फिर दोस्तों सी ग्रीन का पेड़ लग गया। मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, और अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये पानी चलता रहेगा, सफ़र करता रहेगा खुद ही, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। और अभी तक हम इसका शॉपर नहीं हटाएंगे दोस्तों। शॉपर अगर हटा लिया तो आपको पता है सर्दियाँ अभी तक हैं, रात को ठंड होती है। तो अभी हम चलते हैं मास्टर केज में, और ये फिर मैं आऊँगा, वॉल से बंद कर दूँगा बाद में। जब मैं दोस्तों मास्टर केज में सुबह आया तो मैंने देखा कि हमारा फीमेल और मेल येलो और ग्रीन आपस में खारिश कर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो जी, ये तो पेयर लग गया। मैं जल्दी से गया दोस्तों स्टोर रूम से, मैंने मटकियाँ उठाई और इनके लिए मास्टर केज में मटकियाँ लगा ली। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो ही दोस्तों मैंने यहाँ पर एक मटकी रखी, फौरन दोस्तों हमारा मेल और फीमेल इसके अंदर चले गए। तो क्या हुआ, मैं देखकर यकीनन खुश हुआ दोस्तों। और फिर मैंने एक मटकी यहाँ पर लगा दी इधर, तो यहाँ पर ये अपना खुश होंगे, अपना नेस्टिंग करेंगे। सुबह दोस्तों क्या था कि मैंने देखा कि हमारे बजीज फिंचिस ही घर जाना चाह रहे थे, मतलब तंग कर रहे थे। यार ये क्या बाहर निकला हुआ है, क्या वजह? ये अंदर खराब हुआ है यार, नेस्ट पूरा ऊपर नीचे। हाँ, फिंचिस ने किया होगा खुद ही। नहीं यार, सुबह बजीज जा रहे थे अंदर। ओह, उन्होंने तो खराब नहीं किया, वो कर रहे थे इस वजह से। तो मैंने जल्दी से मटकियाँ उठाई थी यार। सिद्धांत बच्चे ठीक है अंदर? बच्चा एक दो नहीं है यार सिद्धांत, कहाँ दो नीचे पड़े हुए हैं यार सिद्धांत। ये तो खून लगा हुआ है। क्या ठीक है सिद्धांत? ओए होए होए यार, बजीज ने अटैक कर दिया यार फिंचिस के बच्चों पर। खून लगा हुआ इतना ज्यादा भाई साहब, ये तो गए भाई। हाय हाय, ये क्या किया यार? ये बेचारे बैठे हैं अब, तब मैं देख रहा हूँ कब से बाहर खड़े हुए हैं, अंदर नहीं जा रहे। इनका क्या करें अब यार, ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो सकता है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है? पेट भी खाली है इनका बिल्कुल। अच्छा, ये काले वाला ज़्यादा इंजर्ड है, वो फिर भी ठीक है कुछ। कुछ करते क्यों किया होगा यार ऐसे इन्होंने? यार मुझे तो बोला गया था कि बजीज काफ़ी फ्रेंडली होते हैं दूसरे परिंदों के साथ। फ्रेंडली है तो भाई, दुश्मन से भी इन्होंने बच्चों को मार दिया भाई। बड़ों से दुश्मनी होती है, बच्चों से थोड़ी होती है। ये क्या कर दिया यार इन्होंने? अच्छा, तीसरा बच्चा तो अंदर है, वो तो देखो। वो तो देखें कैसा है, उसकी क्या कंडीशन है। हाँ ये ठीक है, देखो इसको बिल्कुल ओके, फीड भी कराई हुई है माँ बाप ने। ये परनी किस टाइम नीचे गिरे थे? यार नीचे गिरने पर ही तो लगा होगा इन्हें, इतना ऊपर से नीचे गिरना यार। यार वो सुबह ना आए हुए थे बजीज ना, इधर जाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने फौरन फिर मटकियाँ लगाई कि चलो जी अपना नेस्ट बनाएंगे, लेकिन शायद इनको ये वाला नेस्ट पसंद आ गया हो, ये भी हो सकता है। अंदर क्यों रख रहे हो, पहले ट्रीटमेंट करो ना इनकी, बाहर। सॉरी, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। तो दोस्तों हमारे बजीज ने फिंचिस के बच्चों पर अटैक कर दिया, इस वजह से यार मुझे डर लग रहा था इनको लाने में कि ये हमारे परिंदों को नुकसान पहुंचाएंगे। वैसा ही हुआ दोस्तों, जो मैं सोच रहा था वही हो गया यार। Thank you.
तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये हमारे फिंच का बच्चा बच पाए। इसकी हालत बहुत ख़राब है यार। इसका जो सर है, मैं अभी गौर कर रहा हूँ, ये सारा फटा पड़ा है। बजीज ने इस तरह से इसके सर को नोचा है कि इसका जो ऊपर वाला स्किन होती है वो भी फट चुकी है और जो हड्डी होती है वो भी हटी हुई है। तो ये नामुमकिन है कि ये बचे दोस्तों। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं कोई चीज़ भी नहीं लगा सकता। अगर इसके ऊपर कोई चीज़ लगाएंगे ना दोस्तों हम, क्या होगा कि वो जो सिट्रस होता है, एसिड होता है, वो इसके सर के अंदर चला जाएगा और ये उसी टाइम मर जाएगा। तो अभी भी दोस्तों इसकी हालत बहुत ख़राब है और मैंने इसको फीड दिया दोस्तों, ये निगल नहीं पा रहा। इसके चूँच के अंदर ही रुकी हुई है इसकी खुराक। तो यार पता नहीं अब ये बेचारा किस तरह से बर्दाश्त कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों बजीज़ ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे यही डर था दोस्तों कि ये बजीज़ पता नहीं रह पाते हैं हमारे मास्टर केज में, नहीं रह पाते। लेकिन अब से भाई मुझे कह रहे थे कि भाई बजीज़ कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। लेकिन यार आपके सामने देखें, बजीज़ ने हमारे फिंच के घोंसलों पर हमला किया और हमारे फिंच के बच्चे अब बहुत ही सीरियस कंडीशन में हैं। एक तो बच्चा दोस्तों ठीक है मेरे ख्याल में, ये वाला, ये ठीक हो जाएगा इसके, इसकी अगर केयर की जाए। देखें इसका पर थोड़ा सा ज़ख्मी है, बाकी ठीक है ये। तो ये मैं वापस रख देता हूँ घोंसलों में। ये देखें, ये नहीं रखेंगे यार, ये मर जाएगा, ये अभी मरने वाला है। हाँ यार, सबसे बड़ा था ये ब्लैक हमारा। हाँ तो दोस्तों हमने ये पिंजरा सेट कर दिया है। यहाँ पर हम सारे बजीज अब पकड़ के इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारा वो नुकसान कर रहे हैं। फिर जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए उनकी वजह से, मैंने फीडर वगैरह भी लगा दिए हैं, दाने का फीडर, पानी का फीडर। तो अब दोस्तों हम पकड़ते हैं बजीज को और फिर इसके अंदर डालते हैं। तो यार हमारे बजीज छोटे पिंजरे में अब कैद हो चुके हैं। इनके लिए दोस्तों ये कैद ही है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें इनको यहाँ पर बंद करना ही पड़ा। जब तक हमारे फिंचेस के बच्चे दोस्तों बड़े नहीं होते, उस टाइम तक ये हमारे बजीज इस छोटे पिंजरे में ही रहेंगे। हमारे पास अभी बड़ा पिंजरा भी नहीं है, नहीं तो हम उधर इनको शिफ्ट कर देते। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेचारा एक तो हमारा एक्सपायर हो चुका है, उस टाइम ही ये आखिरी सांस से ले रहा था, और दो हमारे अभी इसके अंदर ही है। दोनों ही दोस्तों वाइट हैं। अल्लाह करेगा दोस्तों ये बड़े हो जाएंगे। माँ बाप तो अभी इनके डरे हुए हैं, बहुत कम जा रहे हैं इनके पास। लेकिन दोस्तों अगर मैं इनको खुद फीड कराऊंगा तो मेरे ख्याल में मुझसे ये नहीं पलेंगे। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डार्जी के बच्चों को भी अडॉप्ट किया था, लेकिन वो मुझसे नहीं पल सके थे, वो भी मर गए थे। तो अब दोस्तों मैं नहीं चाहता, इनके माँ बाप इनकी ही केयर सही से कर लेंगे, मुझसे नहीं होगी केयर। मैंने इमरजेंसी में इनको फीड तो कराई दोस्तों, एक एक के थैली में तो मैंने खुराक पहुँचा दी, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, ये बेचारा तो मर गया है। तो अभी दोस्तों ये यहाँ पर ही रहेंगे और अब हम जाते हैं बाहर। दुआ कीजिएगा दोस्तों कि बस हमारे वो जो बच्चे हैं वो बच जाए यार। वो देखे दोस्तों, उसकी माँ बैठी हुई है उनके नेस्ट के पास और देखते हैं अंदर ये जाती है या नहीं जाती, फिर तसल्ली हो जाएगी दोस्तों हमें। पहले गई थी एक दफ़ा, लेकिन फिर नहीं गई है। अब ये वापस जाती है तो फिर तसल्ली हो जाएगी मुझे। एक मिनट में देख लूँ दोस्तों, ये चली गई दोस्तों। अब टेंशन वाली बात ख़त्म। अब इनको ये इंक्यूबेट करेगी, इनको खुराक खिलाएगी, तो अब ये इनको पाल लेंगे दोस्तों इंशाल्लाह। तो अभी दोस्तों हम जाते हैं बाहर और पौधों को देखते हैं। पौधों को मैंने पानी छोड़ा हुआ था और देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। मैंने पाइप तो बंद कर दिया था थोड़ी देर पहले, अब दिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों के कितना हमारे पौधे बड़े हुए हैं। ये मैं दोस्तों यहाँ पर रख देता हूँ बेचारा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पता है दोस्तों मैं अपने पौधे कैसे देखता हूँ कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ शॉप पर, क्योंकि ऊपर से तो कील लगे हुए हैं दोस्तों, और मैं अंदर से ऐसे देखता रहता हूँ आराम से। और देखे ना दोस्तों, ये हमारा सलाद पत्ता है जो मैंने लगाया हुआ था, ये देखें, ये सारा सलाद पत्ता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी भिंडी है, ठीक है। और उधर से दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हमारी, देखा था यार शुरू में, उधर से देखा था शुरू में, देखा नहीं था पहले वीडियो के। अच्छा, ये हमारी पनीरी है और इसको भी मैं ऐसे ही देखता हूँ जो मैंने आपको, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया। ये देखें दोस्तों, ये हमारे टमाटर,
ये भी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अच्छे हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, मतलब ये जले नहीं है। नहीं तो मुझे डर था दोस्तों कि ये जल जाएंगे, ये नहीं जले। और यहाँ पर एक और बीज मैंने दोस्तों डाला था, पता नहीं मैंने ये कद्दू का डाला था या तूरी का डाला था, ये भी दोस्तों हो रहा है, ये देखें माशाल्लाह। तो ये दोस्तों थी अपडेट हमारे पौधों की, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई पौधे आपके कहाँ तक पहुँचे, तो दोस्तों हमारे पौधे यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम मज़ीद लगेगा। बाकी दोस्तों एक टेंशन वाली बात तो नज़र आ गई हमें, बेचारा एक एक्सपायर हो गया हमारी फिंच का बच्चा, और खुश मैं इसलिए था सुबह यार, पेयर लग गया था येलो बजी और सी ग्रीन का, लेकिन खुशी के साथ साथ उन्होंने हमें दुख दे दिया एक। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।